ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज फिजियोलॉजी में नया अध्याय, नया चैप्टर हमारा 13वां, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जानकारी ले ली, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनकी संरचना और ये सारा तो आप लोगों ने एनाटॉमी के अंदर बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया है, इसमें क्या क्या होता है, लेकिन लेट मी सी अगेन, ये रिपीट हो जाएगा। जबकि उसमें आपने ओवरी का और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पूरा विवरण भी पढ़ा है, चित्र भी आपने देखे हैं उसमें। जनन तंत्र की कार्यकी का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके सही अध्ययन से ही इसमें होने वाले रोग व विसंगतियों को सही तरीके से सही अवस्था पर सही या दूर किया जा सकता है। मादा जनन तंत्र की उत्पत्ति भी नर जनन तंत्र की तरह ही होती है। मादा जनन तंत्र के अंग जो हैं वो निम्न हैं। अभी हमने पिछले अध्याय में हमारे में पढ़ा कि अगर मेल और फीमेल उसको जो है वो जो 23rd जो है हमारे पास जो गुणसूत्र है, पेयर है जो क्रोमोसोम्स का, तो वो निर्धारित करता है। तो इसके अंदर अगर तो वो जो ओवा है उसमें पहले एक्स जो है वो एंटर करता है तो फीमेल पैदा होती है, और अगर वाई एंटर करता है तो ऐसा हमने पढ़ा है ना पीछे, तो क्या होता है, मेल जो है वो जन्म लेता है, मेल पैदा होता है। ये हमने पिछले हमारे अध्याय में देखा, ये देखा ना हमने जोड़ी गुणसूत्र जो है, यहाँ जिनकी लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती 22 तो, लेकिन ये शारीरिक गुणों का नियंत्रण करते हैं, जबकि गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा लिंग सूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो अन्य कार्यों के साथ लिंग निर्धारण का कार्य भी करता है। मादा में दोनों लिंग गुण सूत्र संयोगी XX और इसमें XY होते हैं। तो ये हमने कल जो है इसमें देख लिया था। हाँ, ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ, यदि X लिंग गुण सूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो बच्चा मादा, लेकिन यदि Y लिंग गुण सूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो वो बच्चा नर जो है वो होता है। तो N और Y देखे, हमने पीछे देखे थे ना, एक में तो एक्स है और एक में था वाई, ये दो में जो हमने डिवाइड होते देखे हैं ना, आपने लास्ट में ये देखिए एन एक्स और एन वाई, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने 195 पे देखो पढ़ा था, अगर एक्स जो है वो एंटर करेगा तो फर्टिलाइज करता है तो हमारे पास फीमेल, और अगर वाई करता है तो XY हो जाएगा, तो ये मेल जो है वो आएगा। तो ये हमने कल इसका, तो मादा जनन तंत्र की उत्पत्ति नर जनन तंत्र की तरह ही होती है। मादा जनन तंत्र के निम्न अंग है, ओवरी अंडाशय, ओविडक्ट, अंडनाल, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और बलवा, ये इसके मुख्य मुख्य भाग हैं। अंडाशय सबसे पहले, ये दो अंडाकार ओवल शेप्ड संरचनाएं होती हैं जो पेल्विक इनलेट पर स्थित होती हैं, इनमें रक्त का प्रवाह बहुत होता है। पेल्विक इनलेट जो पेल्विक कैविटी है उसका अंदर का जो इनलेट भाग है, अंदर का जब हम पररेक्टम चेक करते हैं ना, तो ये कैविटी जो है हाथ यूं करते हैं जैसे यूं, तो ये कैविटी के इनलेट पे टच करता है जब हम करते हैं, तो इसको यूं इनलेट को पूरे को यूं घुमा के हाथ को देख सकते हैं कि ये पेल्विक कैविटी का इनलेट है। तो इसके बाद में एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होती है, तो वहां पे ये मिलती है। इनमें जर्मिनल एपिथेलियम की परत होती है जिसकी कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं जर्म सेल कहते हैं। इस परत के नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक तंतुमय सहजीव ऊतक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की परत पाई जाती है, जिसके अंदर स्ट्रोमा नामक पदार्थ भरा होता है। इसकी बाहरी सतह पर पुटिका
फॉलिकल्स नामक संरचनाएं पाई जाती हैं जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, परिपक्व ग्राफियन कुटिका। इस डायग्राम में हमारे पास ये सारा का सारा बहुत सुंदर डायग्राम भी है। इसमें कार्पस ल्यूटियम फुली फॉर्मड सीएल दिखा रखी है, कार्पस एल्बिकम्स, ब्लड वेसन्स, मेजोवेरियम, जर्मिनल एपिथीलियम, एग्नेस्ट, प्राइमरी फॉलिकल, डबल रेड फॉलिकल, फॉलिकल बिगनिंग ऑफ एंट्रम फॉर्मेशन, ये सारा का सारा इसमें डेवलपमेंट अच्छी तरह से इसको दिखा रखा है। लेकिन इसमें ये जो बीच में सारा भाग पड़ा हुआ है ये स्ट्रोमा है, ये जो बीच में है, बाकी इनको छोड़ के ये बीच का भाग है ना, ये जो कनेक्ट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है, ये सारा का सारा ये बीच में ये स्ट्रोमा है, लेकिन ये इसमें लिखा नहीं है कहीं, इंडिकेट करना चाहिए था, उसी को ढूंढ रहा था मैं, नहीं यहाँ कहीं लिखा नहीं इन्होंने, तो ये स्ट्रोमा है जो बीच में, इन सब के बीच में जो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये स्ट्रोमा कहलाता है, भरा हुआ है जो इसमें, ये मेमेलियन ओवरी का जो है वो एक दृश्य है। अंडनाल ओविडक्ट, इसका प्रथम भाग जो है वो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जो कि जो अंडे ओवम को अंडाशय से ग्रहण करता है, यानी कि ये उंगलियों की तरह इस तरह की संरचना होती है, ये इस तरह से अंडे को पकड़ता है और फिर जो है इसको ग्रहण करता है और फेलोपियन नलिका में इधर भेज देता है, फेलोपियन ट्यूब में। अंडनाल के अंतिम भागों को गर्भाशय सिंह यानी कि यूट्राइन हॉर्न कहते हैं, तो ये हम ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ काऊ में हम ये इन चीज़ सारियों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए ओवरी दिखा रखी है, इनफंडिबुलम बहुत अच्छा दे रखा है, यूट्राइन ट्यूब दिखा रखी है, यूट्राइन हॉर्न, यस यूट्राइन हॉर्न और फिर यूट्रस और ये ब्रॉड लिगामेंट जिसके सारे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हेल्प है सारा लिए हुए है। और जो कॉर्नुआ है यानी कि यूट्राइन हॉर्न्स है उनके बीच में इंटर कॉर्नुअल लिगामेंट है, तो यही वो ब्रॉड लिगामेंट है जिसको इसके बीच में होने के कारण इंटर कॉर्नुअल लिगामेंट जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में हमारे पास सर्विक्स जो है इसका ओस है सर्विक्स का, देखिए पोर्शियो वेजाइनल यूट्राइन, इसके बाद में ये वेजाइना है, उसके बाद में ओपनिंग ऑफ गार्टर्स डक्ट है, यूरेथ्रल एंट्रेस है, यहाँ से ये देखिए ये पेशाब जहाँ से जो है वो आता है, यूरेथ्रा यहाँ जो टच होता है पीछे जो है वो ब्लैडर को जाता है, ये यूरेथ्रल एंट्रेस है और ये क्लाइटोरिस है, और मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स यहाँ पे पाई जाती हैं जो क्वाइटस के समय में इसको लुब्रिकेट करती हैं, जिसमें से जो है एक्सक्रीशन जो ऐसा आता है जो इसको लुब्रिकेंट कर देता है। तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ काऊ हमने पढ़ा पूरा का पूरा ये डायग्राम, इसमें कुछ कमी है जो मैं आपको उस दूसरे डायग्राम से आपको बताऊंगा, पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब, ये अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाती है। अधिकांश प्राणियों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्यतः इसी नलिका में संपन्न होती है। अब यहाँ एम्पुला नहीं दिया, इसमें काफी कुछ छोड़ रखा है भाई। अब एम्पुला पूछा जाता है हमेशा। चलिए जो जो नहीं है मैं निशान लगा के उसमें से आपको इसको बताऊंगा। यूट्रस, क्योंकि इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला में होता है,
गर्भाशय यानी कि अंडे व शुक्राणु के युग्मन से बने हुए युग्मक व फलस्वरूप बने भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण गर्भनाल प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, जहाँ से इसे पोषण प्राप्त होता है। यह अपने अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है। यहाँ दो थैले होते हैं, जो पहला वाटर बैग आता है ब्याते समय, उसमें ये सारे के सारे उसके वेस्ट होते हैं जो बच्चे के होते हैं। अंडनाल फैलोपियन ट्यूब जो है, नलिका, गर्भाशयी सींग, यूट्राइन हॉर्न व गर्भाशय को संयुक्त रूप से नलिकीय अंग यानी कि ट्यूबुलर ऑर्गन कहते हैं, जिनकी आंतरिक सतह पर सिलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है। अब ये सिलिएटेड एपिथीलियम क्या होते हैं, मैंने आपको बताया सीलिया बाड़ों की तरह संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक बाड़, तो वो अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो ओवा है उसको यूट्रस की तरफ जो पुश करने का काम करते हैं, ताकि ये फर्टिलाइज्ड जो हुआ है एग है वो यूट्रस में जा करके इम्प्लांट हो जाए, तो ये इसका काम करते हैं। यहाँ योनि वजाइना ये वह भाग है जहाँ नर प्राणी अपने शिशिन की सहायता से वीर्य संकलित करता है। वह इसी भाग की कर्मांकुंचनी यानी कि मैंने आपको बताया था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गतियों द्वारा वीर्य गर्भाशय की ओर बढ़ता है। वल्वा भंग भग यह मादा जनन तंत्र का बाहरी भाग है जो भग ओस्टम वल्वर लिप्स द्वारा ढका रहता है। अब इसमें है प्यूबर्टी यौवन अवस्था, तो ये अब आप देखें इसमें से मैं समझता हूँ कि कम नहीं ज़्यादा इसमें से तो रह गया हुआ है, क्योंकि इसमें से कई चीज़ें जो है आपको पूछी जाती हैं तो बड़ा दिक्कत आपके सामने आएगी, तो मैं आपको इसमें कुछ और जो है संरचनाएँ हैं उनके बारे में आपको इस बुक में से, क्योंकि फिर मैं भी भूल जाऊँगा और आप भी भूल जाओगे। एक सेकंड अभी मैं आपको देख के इसकी पूरी की पूरी जो है संरचनाएँ, यस इसमें हमारे पास हमने ओवरी का भाग तो पढ़ लिया है, लेकिन इसमें कॉर्टेक्स है, मेडुला अलग अलग होते हैं, ये जर्मिनल लेयर, और ये इसमें जो है ये स्ट्रोमा इसमें बड़ी अच्छी तरह से दिखा रखा है, हाइलम इसमें नहीं दिया आपने, इसको अलग से या तो आपको ये डायग्राम आपको अलग से जो है स्ट्रोमा इसमें स्ट्रोमा बड़ा क्लियर अच्छी तरह दिया हुआ है, जर्मिनल एपिथीलियम और ग्राफीन फोलिकल कैसे बनता है ये आगे चलो पता चल जाएगा। ये तो ओविडक्ट, हाँ ये देखिए इनफंडिबुलम के बाद में आता है एम्पुला, ये यहाँ छोड़ दिया गया एम्पुला। डिम्बवाहिनी नलिका का मध्य भाग जो सबसे लंबा होता है तथा यहीं फर्टिलाइजेशन होता है, इसको आप नोट कर लेना भाई एम्पुला। कोई इसमें से पूछ लेगा जब आप हड़बड़ा जाओ। और इसके बाद में आता है इस्थमस, इसमें नहीं दे रखा भाई एम्पुला, इसके बाद में आता है इस्थमस। यह डिम्ब वाहिनी का अंतिम भाग है जो गर्भाशय के जो है हॉर्न है उनसे जुड़ा रहता है। तो ये इसमें दो नाम नहीं है, इस्थमस और एम्पुला, तो ये भाई आप ये ध्यान करना, कहीं पूछ लिया जाए तो फिर ये दिक्कत आपके लिए खड़ी हो जाएगी। अब इसमें सर्विक्स नहीं दिया हुआ, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई, वेजाइना की लंबाई चौड़ाई नहीं है, और ना ही यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब की ओविडक्ट की किसी की लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई, लेकिन ये तो बड़ा
चलिए खैर ये नहीं चाह रहे हैं तो अब आप ये देखना, अगर आप चाहेंगे तो मुझे मैसेज करें तो इन सब के बारे में ये जो इसकी डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ जो है यहाँ पे देखिए ये भी नहीं दिया गया, बड़ी क्लाइटोरिस को भी नहीं बताया गया कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज क्लाइटोरिस। देखिए क्लाइटोरिस ये मादा में लिंग पेनिस का अवशेष है, मेल का, मेल में जो पेनिस होता है उसका अवशेष है। अब आ गया तो क्या करोगे। और ये गाय की वेस्टिबुलर म्यूकोजा में बरीड होता है, दसा रहता है, लेकिन घोड़ी में बिल्कुल स्पष्ट होता है। ये बिल्कुल सही है क्लाइटोरिस, ये बड़ा स्पष्ट दिखाती है घोड़ी जब हीट में होती है, तो ये पूरा का पूरा लिप्स उसके वेजाइना के खोल करके ये उसके पूरा क्लाइटोरिस को दिखाती है। इसके बाद में लेबिया, ये भी नहीं बताया यहाँ पर। लेबिया मादा में वृक्षण कोष, ये स्क्रोटम जो होते हैं उनका अवशेष होता है। ये देखिए अब ये कहाँ से पहले पता चलेगा, ये जो स्क्रोटम होता है ना, ये पेनिस का अवशेष है, ये स्क्रोटम का जो हमारे वृक्षण कोष होते हैं उनका ये जो अवशेष होता है जो लेबिया है, इन्हें वल्वरल लिप्स भी कहते हैं। तो ये आपको भाई बहुत जरूरी थे, यह गर्भकाल के अंतिम अवस्था में तथा मध्यकाल में हल्का सा एडिमेटस सूज जाता है, लाल हो जाता है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। देखिए अब इसमें वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं जो इसमें हमने पीछे पढ़ा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो भाग है इसमें हमारे पास जो मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं यहाँ पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ इसमें दे रखी हैं लेकिन यहाँ बताई नहीं गई। यह मादा में नर की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात होती है। अब देखिए नर से कंपेरिजन देखिए तथा यह भी सेबेसियस ग्लैंड्स हैं। यह ग्रंथि एक विशेष प्रकार के विशेष गंधयुक्त स्राव पैदा करती है जो नर पशु को प्रजनन हेतु प्रेरित करता, आकर्षित करता है। कितना इंपॉर्टेंट है, तथा नर लिंग को चिकना भी ये करती है। ये तो मैंने आपको बताया था। तो कम से कम ज़्यादा आप नहीं पढ़ें तो ये इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लें मेरे इस लेक्चर से, ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसी में से पेपर जो है वो दिया जाए। पेपर जो है, पेपर बनाने वाला कहीं से भी, ये आपके कोर्स में है तो अब आपको पता होना चाहिए वल्वा का, वेजाइना और ये ट्यूब में इसका, और इसके साथ साथ आपको इसकी लंबाई चौड़ाई ये भी पता होना चाहिए। ये इसमें नहीं दिया हुआ। अब मैं इस लेक्चर को पूरा करूंगा तो ये पूरा का पूरा आज दोबारा लेक्चर पढ़ाने में बैठ जाऊंगा। इसमें इसके लिए मैं कुछ विशेष अभी अगले साल से कुछ व्यवस्था करने करूंगा जो मेरे ध्यान में आई है अभी नई बुक को पढ़ने के बाद में। ये सफिशियंट नहीं है। प्यूबर्टी यौवन आरंभ व्यवस्था की वह अवस्था जब प्राणी में लैंगिक क्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने की क्षमता आ जाती है। मादा प्राणियों में यौवन आरंभ अवस्था है जब चक्रीय रूप से होने वाले जनन कार्य शुरू होते हैं। यह अवस्था गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स पहले बताए थे हमने, मुख्यतः FSH LH वगैरह के स्राव की शुरुआत की प्रतिक्रिया के रूप में होती है, जिसमें अंडाशेष हार्मोन के प्रति अभिक्रिया दर्शाता है। इस अवस्था के शुरू होने की उम्र, वजन व बहुत सी बातों पर निर्भर करता है तथा किसी भी एक कारक द्वारा इसका नियंत्रण नहीं हो सकता। यह भोजन में पोषक पदार्थों की मात्रा व गुणवत्ता, मौसम, वातावरण, तापमान, नस्ल, हार्मोन की समुचित मात्रा, खनिज लवणों, विटामिन आदि पर निर्भर करता है। जिसको ये ज़्यादा मिलते हैं वो जल्दी प्यूबर्टी गेन करता है। इस अवस्था को इस प्रकार की परिभाषित कर सकते हैं, यह लैंगिक परिपक्वता की वह उम्र है जब प्राणी के जनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं, वह उन्हें जनन कोशिकाएं ओवम या स्पर्म का निर्माण शुरू हो जाता है। मादा में यह अवस्था प्रथम बद्ध चक्र स्त्री साइकिल द्वारा प्रदर्शित होती है। सामान्यतः विभिन्न प्राणियों में यौवन आरंभ की आयु निम्न प्रकार है। गोवंश में 6 से 18 माह, विदेशी नस्ल देसी में 18 से 30, घोड़ी 10 से 24, भैंस 8 से 24, कुत्ता 6 से 12, सुअर 3 से 7 माह और बकरी 4 से 12 माह।
इसके बाद हम हैं ओजिनेसिस, ओजिनेसिस, ओजिनेसिस। अब ये क्या है, जैसे शुक्राणु निर्माण नहीं हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही ये जो है वो अंडाणु निर्माण है। अंडाणु निर्माण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो अंडाशय ओवरी में पूर्ण होती है। अंडाशय की भित्ति में घनाकार कोशिकाओं की परत जो है होती है, जिसे जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। इन कोशिकाओं को प्राथमिक जनन कोशिकाएं, प्राइमरीली प्रीमोर्डियल जर्म सेल या गोनोसाइट्स कहते हैं। इनमें बार बार विभाजन होते हैं, वह ओगोनिया बनती है, जो कई समसूत्री विभाजन माइटोसिस के बाद प्राथमिक अंड कोशिका प्राइमरी ओसाइट बनाती हैं, और फिर ये अर्धसूत्री द्वारा विभाजित होती हैं, जिनमें फिर एक एक्स रह जाता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, जिससे एक द्वितीयक अंड कोशिका सेकेंडरी ओसाइट व प्रथम ध्रुव कोशिका फर्स्ट पोलर बॉडी हमारे पास जो है वो बनती है। इस द्वितीय अंड कोशिका पुनः विभाजन से अंड कोशिका या अंडा ओवम व द्वितीय ध्रुव कोशिका सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो सेकंड पोलर बॉडीज हैं, ये तो इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन हमारे जो काम है वो ओवम ही आता है। ये छोटी होती हैं और वो उसके आकार में बड़ा होता है, सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट। जो पोलर बॉडीज हैं वो छोटी होती हैं, सेकेंडरी ओसाइट बड़ा होता है, तो इसे पहचान सही है, पता लग जाता है। वो तीनों अलग हो जाती हैं और ओवम जो है काम में आ जाता है फर्टिलाइजेशन के, सिंपल। तो ये वही सेम क्रिया है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में बताई थी। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि क्योंकि मेन मेल है उसमें एक्स और वाई होता है, और इसमें जो है एक्स एक्स होता है। तो वहाँ हमने सोमेटिक सेल जो 22 हमारे पास थे पेयर, वो सोमेटिक सेल का निर्माण, और 23वां जो है वो इसमें मेल और फीमेल का जो है वो इसमें मेल और फीमेल के प्रोडक्शन में कार्य करता है। तो यहाँ देखिए वो सेम प्रक्रिया, 2x से 2x फीमेल, फिर 2n, ये एक्सेस में विभाजन, जर्म सेल्स मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड है वो मियोसिस नहीं है, ये माइटोसिस है। फिर ये थ्री डिवीजन हुआ, तो ये हमारे पास ये ग्रोथ पीरियड के अंदर तो 2nx आ गया हमारे पास, ये प्राइमरी ओसाइट आ गया। अब ओजेनेसिस, और फिर अब हमारे पास क्या होगा, मियोसिस अर्धसूत्री। तो ये देखिए दोनों nx हो गए। अब nx के अंदर दो पोलर बॉडीज बन गई, इसमें पहले nx से दो पोलर बॉडी, दूसरे nx से एक ओवम बन गया और एक पोलर बॉडी बन गई। तो यहाँ तीन पोलर बॉडी जो है वो यहाँ बन गई। पालतू पशुओं में अंडाशय दो भागों में बंटा होता है। यहाँ शायद इन्होंने कहीं दिया हो, ये भी सही बात है, हो सकता है इसमें दे दिया हो, करीब करीब ठीक है, देखते हैं। पालतू दो भागों में बंटा होता है, बाहरी हाँ यहाँ दे रखा है, यस, कॉर्टेक्स आंतरिक मेडुला, कॉर्टेक्स के सबसे बाहरी की परत जनन उपकला कहलाती है। कॉर्टेक्स का वह भाग जहाँ से रक्त वाहिनियाँ मेडुला में प्रवेश करती हैं, उसे हाइलस, यस, दे रखा है। ये डायग्राम चाह रहा था मैं जो उसमें दिया हुआ है, यस, वेरी गुड डायग्राम। ये देखिए ये हाइलस, हाइलस मैंने आपको पढ़ाया था किडनी में भी हमने पढ़ा था, जहाँ से यूरेटर बाहर निकल रहा था, आर्टरी वेन जो अंदर अंदर भी आ रही हैं, आर्टरी वेन और नर्व, और फिर जहाँ से आर्टरी और वेन जो है नहीं सॉरी हाँ आर्टरी और वेन आर्टरी आ रही वेन जहाँ से जो बाहर निकल रही है और यूटरस यूरेटर बाहर निकल रहा है, तो वहाँ वो जो पॉइंट है वो हाइलस है। तो यहाँ देखिए जहाँ से ये रक्तवाहिनी एंटर कर रही है इसके अंदर, वो पॉइंट जो है वो हाइलस है, जबकि यहाँ हाइलस या नाम दिया नहीं गया इन्होंने, यहाँ इन्होंने मेजोवेरियम ही नाम दिया, तो यहाँ जहाँ मेजोवेरियम लिखा हुआ है यही हाइलस है। मेडुला में कुछ रक्तवाहिनियाँ वैसे जो तक पाए जाते हैं। प्राथमिक अंड कोशिका प्राइमरी ओसाइट्स कॉर्टेक्स के स्ट्रोमा, ये देखिए अब ये भाग जो है ये जहाँ प्राइमरी, ये सारा कॉर्टेक्स है जिसके अंदर ये मूव करेंगे ना सारे, ये जो कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है स्ट्रोमा नामक संयोजित कनेक्टिव टिश्यू में धंसी रहती है, ये इसके अंदर देखिए, ये जो प्राइमरी ओसाइट है वो इसके अंदर धंसे हुए हैं, ये देखिए ये जो डायग्राम दे रखा है आप इसको देखोगे तो इसमें धंसे हुए हैं ये।
तो यहाँ दसी ही रहती है, तो इसमें FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इनको स्टिमुलेट करता है बनने के लिए और फिर ग्रोथ के लिए। प्रभाव जैसे जैसे वो साइट वृद्धि करती है तो इसके इसको घेरने वाली कोशिकाएं जिन्हें ग्रेनुलोजा सेल्स कहते हैं भी विभाजित होती हैं, ये और विभाजित होकर थीका नामक के कोशिकीय समूह बनाती हैं। ये जो हमारे पास इसमें कॉर्टिकल स्ट्रोमा, ये सही है, यहाँ स्ट्रोमा दे रखा है इन्होंने, बिल्कुल ये सही है। ब्लड वेसल, जर्मिनल एपिथेलियम, कार्पस एल्वियम, मिडुलरी स्ट्रोमा, यस। तो ये जो ओवम है इसके सामने जो है जितने भी ग्रेनुलोजा सेल्स हैं और थीका है, ये नामक कोशिकाएं सुम बनाती हैं, वह ओओसाइट को घेर लेती हैं। ये जो ओओसाइट है बीच में ये बिंदु की भांति जो है हमारे पास, यानी कि अंडा, इसको घेर लेते हैं। थीका नामक परत के दो भाग होते हैं, बाहरी थीका एक्सटर्ना एवं भीतरी थीका इंटरना। ग्रेनुलोजा सेल्स एक तरल पदार्थ स्रावित करती हैं जो वो साइट के चारों तरफ एकत्रित होता है। धीरे धीरे आकार बड़ा होने के कारण इस संरचना में रिक्त स्थान जो है वो बनता जाता है और ये इस फ्लूड से भरा रहता है जिसे एंट्रम कहते हैं, जिसमें तरल लिक्विड फॉलिकुल भरा रहता है। तो ये देखिए, ये ग्राफियन फॉलिकुल इस तरह से इसमें आपको बताया है, तो इसको आप ये आप अब इसकी जगह आप इसकी तरफ आप देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये ब्लैक और ये कई बातें नज़र में नहीं आ रही। ये आप देखें कितना शानदार और एकदम से सुंदर डायग्राम जो है वो दिया गया है। ये आप देखें, ये देखिए, ये वो थीका सेल्स हैं, ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, इनसे ये स्त्राव हुआ, यहाँ एंट्रम खाली जगह बनी और ये इसके अंदर फ्लूड भर गया पूरा का पूरा, ये देखें। और ये इनसे ये ग्रेनुलोजा सेल से ये घिरा हुआ है, और ये जो यहाँ घिरा हुआ है तो इसको ये कुमुलस ओओफोरस कहते हैं। इन जो ये जो सेल्स है ना यहाँ, ये कुमुलस ओओफोरस कहलाती हैं। और ये जो नेक बन गया, ये जो ये ओओसाइट है इसके अंदर, ये है वो ओओसाइट, यहाँ ये नेक बन गया जो है, इसका इसका नाम है, अब ये नाम इसमें, क्योंकि जो डायग्राम मैंने आपको पढ़ाने के लिए वो अलग रह गया, ये तो अलग से डायग्राम लिया गया, उसमें मैंने पूरा इसका विवरण और नाम लिखा। खैर चलिए कोई बात नहीं, उसका नाम इसमें आ जाएगा। ये जो जिस नेक से लटका रहता है इसके अंदर, हाँ ये रहा, यस ये है वो, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में इसमें भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें छोड़ी गई हैं। तो अब आप देखें इसमें, मैं आपको क्लियर, ये देखिए लाइनिंग, आप इस डायग्राम को लेना, इसका प्रिंट आउट ले तो ये देखिए, ये जो इसका नेक है जिस पे ये खड़ा है, ये अंदर इसके पानी में ये फ्लूड है, इसके अंदर ये खड़ा, ये नेक है ये इसका, तो इसको हिलॉक कहते हैं आई थिंक, हाँ यस हिलॉक, ये हिलॉक है, इसमें कहीं शायद दे भी रखा होगा, आगे आएगा उसमें, ये यस इसको जो हिलॉक कहते हैं जिससे ये खड़ा हुआ है। और ये जो इसके बाहर है, ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बाहर जो है। अब इसमें साइटोप्लाज्म है इनके बीच में, देखिए इस गोले के और इस बीच के मेम्ब्रेन के बीच में ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। यहाँ देखिए ये एंट्रम है, ये ध्यान रखना, दिस वन इज एंट्रम, यहाँ फ्लूड भरा हुआ है अलग है। अब इसमें क्या है, ये न्यूक्लियोलस है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये चीज़ें जो है इसके अंदर नहीं दी गई। और इसमें ये देखिए, ये बाहर इसके अंदर ये स्पेस रहता है जिसको हम पेरीवेटलाइन स्पेस कहते हैं, ये पेरीवेटलाइन स्पेस है, ये अलग है, ये जो एंट्रम स्पेस है ये ध्यान रखना ये। और ये जो मैंने आपको ये मेम्ब्रेन बताई, इसके अंदर यहाँ जो है ये साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ये साइटोप्लाज्म है, ये ध्यान रखना, और ये स्पेस है, अलग अलग हैं, ये पेरीवेटलाइन स्पेस कहलाता है, ये वाला स्पेस पेरीवेटलाइन स्पेस कहलाता है।
और ये न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो ये कुछ चीजें इसमें थोड़ी रह गई थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। शायद इसमें आपको यस वन और दो और नहीं दी हुई, क्लियर करो इसको। इसके अंदर इस जो डायग्राम में है देखो, जोना पेलुसिडा लेयर जो है, इसके लेयर के पहली लेयर देखिए, ये दो लेयर हैं, ये लेयर पहली जोना पेलुसिडा है, और ये जो इसके बाद सेकंड लेयर आती है ये कॉर्नो और ये है कोरोना रेडियल, कोरोना रेडिया भी कहते हैं और कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं इसको, कोरोना रेडिया भी कहते हैं, रेडिएटा भी कहते हैं इसको ये, और ये जर्मिनल सेल है। तो ये देखिए, ये क्लियर जो है इसका डायग्राम ये है, इसके अंदर इतने नाम और अभी बाकी हैं, इसके अंदर हम जब इसकी स्टडी करेंगे तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप इसका ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे ये आपके उतना ही कंपटीशन में काम आएगा। कंप्लीट है, तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। और नेक्स्ट हमारा चलेगा, जो हम चलाएंगे इसको ईस्टर साइकिल मध्य चक्र जो हम आगे पढ़ेंगे, तो आज इसमें यहीं समापन। थैंक यू वेरी मच।